अभी तक हमने बहुत सारे इसके बेसिक्स को समझा, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एंड आज की क्लास में समझेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना है। समझना क्या आपको पता है, बस जानना है, माइंड में थोड़ा रिवाइज कर लो। क्या है, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम बनाते हैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम बनाते हैं, इसमें हमारे तीन पार्टीज होते हैं। ठीक है, पहला पार्टी हमारा ड्रॉवर होता है जो कि बिल को लिखता है, बनाता है। दूसरा पार्टी हमारा होता है ड्रॉई जो कि उस बिल को पेमेंट करता है। और तीसरा पार्टी होता है पेमेंट रिसीव करने वाला। तो यहाँ पे होना क्या है, तो हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो दो इंसान के बुक में होना है, दो पार्टीज के बुक में होना है। पहला पार्टी जो है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी उसे हम ड्रॉवर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्टी जो बिल ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी उसे ड्रॉई बोलते हैं। पेई का यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या करना है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर के लिए और ड्रॉई के लिए है तो एक ही डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट तो है एक ही, बस ड्रॉवर के लिए अलग चीज है और ड्रॉई के लिए अलग चीज है। अलग चीज क्या है, तो ड्रॉवर ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाती है ताकि ड्रॉई से उसे अमाउंट रिसीव हो जाए। तो ये जो है ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, मतलब इससे इस बिल से उसे अमाउंट रिसीव होने वाला है, अमाउंट रिसीवेबल है। और यही ड्रॉई के लिए क्या है, पेबल है, मतलब पेमेंट करने वाला चीज है। तो ड्रॉई के लिए क्या हो जाएगा, बिल पेबल। आई बात समझ में, मतलब इससे आपको पेमेंट करने है। कोई भी चीज जिसे हमें रिसीव होने वाला है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। ठीक है, तो ड्रॉवर के लिए ये बिल जो है वो एक एसेट है, जबकि ड्रॉई के लिए पेमेंट करने वाली हर चीजें आपका लायबिलिटीज होता है। ठीक है, जो भी आपको पेमेंट करना है वो आपका क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। तो ड्रॉई के लिए जितनी भी चीज का पेमेंट करना है वो क्या होता है, मतलब ड्रॉई के लिए क्या, हर किसी के लिए पेमेंट करने वाला चीज लायबिलिटीज ही होता है। तो बिल्स पेबल जो ड्रॉई को पेमेंट करने हैं ये इसके लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। आई बात समझ में, तो इन दोनों के बुक में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का आपको चार केस है, चारों केसेस हम अलग अलग वीडियोस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो इसका लेक्चर मुझे लगता है 10th लेक्चर, 10th तो हो ही जाना है इसका। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे लिख लो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फोर गिवन केसेस, मतलब अकाउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है ना वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो चार केसेस का होने वाला है। ठीक है, और ये चार केस हमारे क्या क्या है उन्हें हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो केस होगा वो है कि जब ये ड्रॉवर जो है बिल लिखने के बाद उस बिल को अपने ही पास रखे पूरा मैच्योरिटी डेट तक, बीच में वो किसी तीसरे को ना भेजे, ना बैंक को, ना ही अपने किसी क्रेडिटर को, तो उस सिचुएशन में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब इसे तो हम आज ही की क्लास में समझेंगे। और ये हमारा होता है व्हेन ड्रॉवर रिटेन बिल विथ हिम टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, डेट मैच्योरिटी डेट तक जो है वो इस बिल को वो अपने पास रखता है, तो इस सिचुएशन में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका अलग होगा। और दूसरा होता है कि जब बिल जो है वो बैंक से हम डिस्काउंट करा ले। ठीक है, मतलब बैंक, मतलब ये जो ड्रॉवर है ना वो बिल को लेके गया बैंक के पास और बैंक से डिस्काउंटेड कर दिया, तो उस सिचुएशन में अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो उसे हम बोलते हैं व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विथ द बैंक। ठीक है, इसका अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। थर्ड नंबर, व्हेन जब इंडोर्समेंट हो जाता है, मतलब जब बिल जो है वो इस ड्रॉवर के द्वारा अपने क्रेडिटर को दे दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो इसका भी अलग कॉन्सेप्ट है। लिख लो व्हेन द बिल इज इंडोर्स बाय द ड्रॉवर, व्हेन द बिल इज इंडोर्स बाय द ड्रॉवर इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर, अपने क्रेडिटर को। ठीक है, ठीक है, ये केस हो गया। एंड फोर्थ नंबर का जो केस है इसे ध्यान से देखो, ये केस थोड़ा सबसे लास्ट में हम समझने वाले हैं। सो इस केस में हम क्या देखेंगे, तो इस केस में जो है ना वो बिल को बैंक में भेज दिया जाता है कलेक्शन के लिए। व्हेन
बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। आई बात समझ में? जब बिल जो है वो बैंक में भेजा जाता है कलेक्शन के लिए। तो आज की क्लास में इस टॉपिक को समझेंगे, नोट करना है तो कर लो, अभी ये हेडिंग दे देना ऊपर में, हम इसी हेडिंग को समझने वाले हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया। अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ एंड आगे हम अब समझते हैं। सो हेडिंग डाल लो यहाँ पे, व्हेन, पहला नंबर है ना ये, व्हेन ड्रॉवर रिटेन बिल विथ हिम टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब जब ड्रॉवर जो है वो इस बिल को अपने पास रखता है मैच्योरिटी डेट तक, ठीक है? तो ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों के बुक में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने वाले हैं। सबसे पहला जो हम इसमें हम करेंगे वो क्या होगा? तो सबसे पहला काम, मतलब ऊपर में लिख लो, ड्रॉवर के बुक में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे और ड्रॉई के बुक में आप कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, इसे आप लिख लेना, ठीक है? तो देखो सबसे पहला जो काम होने वाला है वो क्या है, सबसे पहला काम होता है सेल और परचेज करने का। ड्रॉवर जो है वो गुड्स को या कोई भी सर्विस को सेल करता है और ड्रॉई जो है वो परचेज करता है, ठीक है? इन दोनों का क्रेडिट का लेन देन होने के कारण ही बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनाना पड़ता है ड्रॉवर को, ठीक है? तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो सेल या परचेज का, ठीक है? तो देखो ड्रॉवर अगर कोई भी चीज को सेल करता है, कैश में अगर सेल करता है, तो उसका एंट्री हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन अगर सेल में, अगर कैश में सेल करता है, तो उसका तो फिर यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल ऑफ एक्सचेंज तो बनता ही इसलिए क्योंकि इन्होंने क्रेडिट में लेन देन किया है, क्रेडिट में सेल किया है, क्रेडिट में परचेस किया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम, मतलब इसका जर्नल एंट्री क्या करते हैं, जब क्रेडिट में कोई भी गुड्स या सर्विस हम सेल करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, तो जिसे सेल कर रहे हैं उस इंसान को हम डेबिट करते हैं। तो सेल किसे कर रहे हैं, ड्रॉई को ना, तो ड्रॉई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉई यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में? अब देखो ड्रॉई को डेबिट किए और टू सेल्स क्यों किए, तो मॉडर्न अप्रोच से भी समझते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी समझते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को पहले हम देखते हैं कि ड्रॉई क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, ड्रॉई कोई पर्सन है ना, और कोई पर्सन क्या होता है, पर्सनल होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो गुड्स आप सेल कर रहे हैं उसे रिसीव कौन कर रहा है, ये ड्रॉई कर रहा है ना, तो ये डेबिट हो गया। देन है आपका टू सेल्स, तो सेल्स को आपने क्रेडिट क्यों किया, तो सेल्स जो है वो हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो सेल करना हमारे लिए इनकम है तो उसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे। आई बात समझ में? ये होता है ट्रेडिशनल रूल से। अगर बात करें मॉडर्न रूल से तो देखो ये ड्रॉई जो है ना, ये हमारा एक डेटर है, ठीक है? आई बात समझ में? क्या है, डेटर है। ड्रॉई के प्लेस पे आप डेटर भी लिख सकते हो, ठीक है? मैंने ड्रॉई लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये एक तरह से, मतलब ये तो है डेटर ही, ठीक है? आप डेटर भी लिख दो, मतलब ऐसे स्लैश देकर के, ड्रॉई मैंने आपकी समझने के लिए लिखा है। तो ये डेटर है और डेटर क्या होता है, एक एसेट्स है डेटर, और एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट में दिखाते हैं। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है डेटर, तो हम उसे डेबिट में दिखाएं। सेल्स क्या होता है, तो सेल्स रिवेन्यू है और रिवेन्यू का रूल है कि ये बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। तो बढ़ रहा है ना रिवेन्यू, सेल करने से आ रहा है ना अमाउंट हमारे पास, तो ये तो बढ़ रहा है और बढ़ने के कारण से हम इसे क्रेडिट में दिखाए। आई बात समझ में? नरेशन भी लिख लेना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू डेटर, जो भी डेटर का आपका नेम हो। तो ये काम तो आप करेंगे ड्रॉवर के बुक में। अगर यही बात अगर आपका आ गया, मैं इसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूं, ओके? ठीक है, अब ठीक है ना, अब वही बात रह गया है ड्रॉई के बुक में। तो ड्रॉई के बुक में क्या करेंगे, तो ड्रॉई तो सेल नहीं कर रहा ना, परचेस कर रहा है, और परचेस करने पे क्या हम करते हैं, परचेस, अगर गुड्स परचेस हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, परचेस को डेबिट करते हैं हमेशा की तरह। तो आप यहाँ पे लिख दोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज हो रहा है, तो जो सेलर है, जो ड्रॉवर है उससे ना। तो ये ड्रॉवर ड्रॉई के लिए क्या है, क्रेडिटर होगा ना, मतलब क्रेडिटर क्या, ये ड्रॉई को जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा ना इसे, और जिसे पेमेंट हमें देना है, जिससे पेमेंट देना है, मान लो कि मैं हूं, मुझे आपको पेमेंट देना है, तो आप हमारे लिए क्या हो, मेरे लिए आप क्रेडिटर हो और मैं आपके लिए डेटर हूँ। आपको मेरे से लेना है ना अमाउंट, तो मैं आपके लिए डेटर हूँ, मुझे आपको देना है, आप मेरे लिए क्रेडिटर हो, ओके? क्रेडिटर लिखो या फिर ड्रॉवर भी लिख दो, कोई बात नहीं, टू ड्रॉवर अकाउंट। आई बात समझ में? परचेज यहाँ पे नॉमिनल है और नॉमिनल का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट।
तो परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं, इसलिए इसे हम डेबिट में दिखाए हैं। मतलब ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करना तो एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस को हम डेबिट में दिखाते हैं, डेबिट में दिखा दिए। टू क्रेडिटर, क्रेडिटर यहाँ पे क्या है, पर्सनल है, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो दे कौन रहा है, क्रेडिटर कौन है, ड्रॉवर ना, तो इसीलिए हम इसे क्रेडिट किए हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिशनल रूल से। अब मॉडर्न रूल से क्या हो गया, तो परचेस करना क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, तो बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर दिया। फिर है क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो लायबिलिटीज बढ़ा है, मतलब ये जो ड्रॉवर ड्रॉवी है उसे अब पेमेंट करना है ना, उसके ऊपर तो एक और लायबिलिटीज बढ़ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसे हम क्रेडिट करना पड़ा हमें। आई बात समझ में? तो ये पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, पहला हो गया ये। दूसरा क्या होता है, बी नंबर, तो दूसरा होता है बिल लिखने के बाद, मतलब बिल लिखने का बात आ गया, ठीक है, मतलब बिल लिखने के बाद अब ड्रॉवर जो है वो ड्रॉई को भेजा है, और ड्रॉई उस बिल को एक्सेप्ट करने के बाद, मतलब उसमें सिग्नेचर करने के बाद वापस से भेज दिया किसे, ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर के पास जब बिल वापस आ गया एक्सेप्ट हो करके, तो उस दिन फिर दूसरा जो है वो जर्नल एंट्री ये पास करते हैं अपने बुक में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दो रिसीविंग, रिसीविंग और एक्सेप्टिंग, ठीक है, रिसीविंग और एक्सेप्टिंग ऑफ बिल, ओके, बिल रिसीव होना या एक्सेप्ट होना। तो देखो जब बिल इससे रिसीव होगा, ड्रॉवी से रिसीव होगा ड्रॉवर को, तो वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो ड्रॉवी अब ड्रॉवी नहीं रहा, वो अब आपका बिल रिसीवेबल बन गया, अब आपको उससे अमाउंट लेने हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे फिर जर्नल एंट्री क्या करना होगा, तो यहाँ पे अब आपको बिल रिसीवेबल हो गया, ये चेंज हो गया, तो आप यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है वो करोगे डेबिट, और टू किससे रिसीव हो रहा है, ड्रॉवी से ना, तो टू ड्रॉवी या फिर डेटर अकाउंट। आई बात समझ में? और यहाँ पे फिर है डेटर, तो डेटर यहाँ पे हमारा पर्सनल है, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है, ये बिल मुझे सिग्नेचर करके किसने दिया, ड्रॉई ने, इसलिए मैंने इसे क्रेडिट कर दिया। आई बात समझ में? और मॉडर्न रूल से आप अगर देखो तो बिल रिसीवेबल जो है वो हमारा एसेट्स है, और ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो डेबिट कर दिया मैंने। देन है डेटर, तो ये हमारा एसेट्स है, और जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं, तो जो यहाँ डेटर जो था हमारा वो अब बिल रिसीवेबल बन गया, तो डेटर तो कम ही हो गया ना, एसेट्स कम हो गया, तो उसे फिर हम क्रेडिट कर दिए। आई बात समझ में? अब इसका है ड्रॉई का, तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पे अब सिचुएशन अपोजिट हो गया, ड्रॉई को, अगर मैं ड्रॉई हूँ मुझे किसे पेमेंट करना है, तो मैं क्या हो जाऊंगी, बिल पेबल हो जाऊंगी ना, मतलब मुझे तो पेमेंट करना है, रिसीव तो करना नहीं है, तो इसमें आपका सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगा, आपको मतलब ड्रॉई को पेमेंट किसे करना है, ड्रॉवर को, तो यहाँ पे ड्रॉवर या क्रेडिटर जो है वो आप डेबिट में लिखोगे, ठीक है, मतलब जो रिसीव करेगा, ऐसे भी ये पर्सनल है, पर्सनल का रूल कहता है ऑल एक्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे पर्सनल रिसीव करने वाला कौन है, डेटर या मतलब सॉरी क्रेडिटर ही है ना, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, मतलब सॉरी डेबिट करेंगे टू क्या, बिल्स पेबल, ये चेंज हो गया है, अब आपका ये बिल्स पेबल बन गया, आपका लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज कर गया है, ठीक है, अब आपको बढ़ गया आपका लायबिलिटीज, आपको पेमेंट करने होंगे, ये होता है। आई बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये दूसरा एंट्री हो गया। देन थर्ड नंबर एंट्री होता है सी नंबर, वो होता है पेमेंट होने का एंट्री, मतलब मैच्योरिटी डेट आ गया है और पेमेंट भी रिसीव हो गया है, तो पेमेंट रिसीव्ड ऑन, अच्छे से लिख दो, पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी डेट, ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे, अब मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे डेट लिखना होगा, ठीक है, तो मैच्योरिटी डेट का जो है वो पेमेंट आपको रिसीव हो गया मैच्योरिटी डेट के दिन। तो देखो ड्रॉवर को तो पेमेंट रिसीव होगा ना, यहाँ पे ड्रॉवर ने बिल को अपने पास लास्ट तक रखा है मैच्योरिटी डेट तक, तो पेमेंट किसे रिसीव होगा, इसे ही होने वाला है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे आपको कैश में रिसीव होगा या फिर बैंक में रिसीव होगा, और कैश या बैंक जो है वो हमारा क्या है, एसेट्स है, एसेट्स मतलब कैश जो है एसेट्स है, बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो डेबिट में हम लिखेंगे। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि कैश जो है वो हमारा रियल है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे आपको कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट करोगे आप। बैंक क्या है, पर्सनल है, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अगर बैंक में आपका अमाउंट आया है तो बैंक यहाँ पे रिसीवर है ना, तो उसे आप डेबिट करोगे, तो कैश या बैंक आपका हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। और टू किससे रिसीव हो रहा है, बताओ किससे रिसीव हो रहा है, बिल रिसीवेबल से ना, इससे ना, अब ये ड्रॉई और डेटर मत लिख देना, ड्रॉई यहाँ डेबिट हुआ या क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया,
अब बिल्स रिसीवेबल यहाँ डेबिट हुआ, अब इसे खत्म करना होगा आपको, आप इसे क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है, टू बी आर अकाउंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में बी आर लिख रही हूँ। और ऐसे भी देख लो कि आपको इसे अमाउंट अब रिसीव हो गया है, तो क्या अभी आपका एसेट्स रहा? नहीं रहा ना। और एसेट्स कम होता है तो किधर दिखाते हैं? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में दिखा दिया हमने। देन है इसका, बात करते हैं ड्रॉई का, तो इसे तो पेमेंट करना पड़ा है ना बेचारे को, इसे तो रिसीव नहीं हुआ, और जिसे पेमेंट करना पड़ा है आपके पास से कैश गया है तो आप उसे डेबिट करोगे क्या? नहीं। अगर हमारे पास से कैश जाएगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि कैश हमारा रियल है, और रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप पेमेंट करोगे, आपके पास से कैश जाएगा तो आप इसे क्रेडिट में दिखाओगे। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू कैश, या फिर अगर बैंक में आप पेमेंट किए बैंक लिख दो, ठीक है। बैंक का रूल समझ लो, बैंक तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आप अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक यहाँ पे गिवर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और डेबिट में क्या लिखेंगे? तो बिल्स पेबल, यहाँ क्रेडिट किए है ना, अब यहाँ डेबिट, क्योंकि ये जो लायबिलिटीज आप पे बना है बिल्स पेबल का, ये अब आपका खत्म हो रहा है, और जब लायबिलिटीज खत्म होता है तो उसे हम डेबिट में दिखाते हैं। आई बात समझ में? तो आप यहाँ पे लिखोगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में? तो ये तीन जर्नल एंट्री जो है वो आपको करने पड़ते हैं इस केस में, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो केस है इसमें आपको ये तीन जर्नल एंट्री करने होंगे, नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद हम एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही क्वेश्चन है हमारा, एग्जांपल ही है हमारे बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर वन, इसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आ गया एंड आपने इसे नोट कर लिया? तो अब हम एग्जांपल इलस्ट्रेशन को समझते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बस इरेज करती हूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, और मैं इधर इसे भी इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसी में हम अभी सॉल्यूशन करेंगे, इसे मैं रहने देती हूँ। क्वेश्चन को पढ़ लो आप, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, अमित सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 टू सुमित। ये इलस्ट्रेशन ही हमारा, ठीक है। अमित जो है वो गुड्स सोल्ड किया है सुमित को, कितने का? 20,000 का, ऑन क्रेडिट ऑन 1 जनवरी 2017। कब? 1 जनवरी 2017 को, ठीक है, क्रेडिट में। अमित ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन सुमित फॉर द सेम अमाउंट ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। सुमित एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू अमित। सुमित मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मेच्योरिटी। मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट भी हो गया, बिल एक्सेप्ट भी हो गया। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन अमित रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी एंड कलेक्टेड डायरेक्टली। मतलब अमित जो है वो इस बिल को अपने पास रखता है, मतलब यही वाला केस है फर्स्ट नंबर, मेच्योरिटी डेट तक, और उस बिल को कलेक्ट भी करता है उसका अमाउंट। तो इस पे आपको जर्नल एंट्री करना है, तो इसमें आपको दोनों के बुक में जर्नल एंट्री करना है, अमित और सुमित दोनों के बुक में। तो ये जो है हमारा अमित कौन है? इसमें ड्रॉवर है, ठीक है। अमित जो है वो सेलर है, ड्रॉवर है, ऐसे करके लिख लो ऊपर में। फिर है सुमित, सुमित कौन है? तो सुमित जो है वो ड्रॉई है जिसपे बिल लिखा गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल आता है कि 1 जनवरी 2017 को जो है वो सेल किया गया है, ठीक है। तो सेल करने का एंट्री हम क्या करते हैं? तो जो रिसीव होता है, जो रिसीवर होता है, मतलब जिसे गुड सेल कर रहे हैं वो आपका डेबिट में होता है। तो सुमित को सेल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सुमित आपका जो है वो डेबिट में हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? सुमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 20,000। ओके, नरेशन लिख देना, बींग गुड्स सोल्ड टू सुमित ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब सुमित के बुक में अगर हम यही वाला एंट्री करें तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू क्रेडिटर। यहाँ पे क्रेडिटर कौन हो गया? अमित हो गया ना, अमित से परचेज हुआ है तो अमित हो गया यहाँ पे क्रेडिटर। तो टू यहाँ पे आप लिखोगे अमित, कितने का? 20,000 and 20,000, ठीक है। टू 20K लिख रही हूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है आपका कि ये बिल एक्सेप्ट भी हो गया है इसी डेट को, जब कुछ नहीं लिखा है एक्सेप्ट, मतलब बिल कौन सा बिल है ये सब कुछ नहीं लिखा है, तो समझो इसी डेट को एक्सेप्ट हो गया। तो बिल रिसीवेबल आपका डेबिट होगा, बिल रिसीवेबल, ठीक है, डेबिट टू ड्रॉई। ड्रॉई या डेटर कौन है? सुमित है ना, तो सुमित का नेम लिखेंगे हम टू सुमित, ठीक है। कितने का? 20,000 एंड यहाँ पे भी आपका 20,000 होगा। बी आर अकाउंट डेबिट कर देती हूँ मैं, बी आर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तो ये हो गया। देन है आपका इसके बुक में, सुमित के बुक में हम करेंगे तो ड्रॉवर और क्रेडिटर डेबिट होगा। तो इसमें ड्रॉवर और क्रेडिटर कौन है? अमित है ना, जिससे गुड्स इसने परचेज किया है। तो किससे परचेज किया? अमित से। तो अमित यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा। तो अमित
डेबिट। देखो अमित अकाउंट, अगर अकाउंट लगाना है तो फिर एपोस्ट्रॉफी एस लगाना होगा, स्पेस उतना नहीं है इसलिए मैं अमित अकाउंट ही लिख रही हूँ। टू बिल पेबल, ठीक है, बिल पेबल अकाउंट कितना 20,000। ओके आई बात समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देन आपका क्या लिखा हुआ है कि 3 मंथ्स के बाद इसका जो है वो पेमेंट हो जाता है, तो 3 मंथ्स इससे आगे बढ़ो, 1 जनवरी को है, 1 जनवरी 2017, और इससे 3 मंथ्स आगे बढ़ेंगे हम, तो एक्सपायरी डेट हमारा क्या हो जाएगा, तो जनवरी से 3 मंथ्स आगे जाएंगे, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 अप्रैल, ये एक्सपायरी डेट है, लेकिन मेच्योरिटी डेट हमें लिखना होता है ना, तो 1 अप्रैल में हम फिर एड करेंगे 3 डेज, प्लस करेंगे 3 डेज, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कितना, अप्रैल 1, 2, 3, 4, 4th अप्रैल हो जाएगा ना हमारा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4th अप्रैल 2017। आई बात समझ में, यहाँ वाला डेट ध्यान रखना, कैलकुलेट करके लिखना होता है। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है, यही होगा, कैश आपका रिसीव भी हो गया इसी दिन, कितने का, तो 20,000 का, तो 20,000 लिख देना एंड 20,000 लिख देना, ठीक है। नरेशन याद रखना, नरेशन लिख लेना, यहाँ क्रेडिट में परचेज हुआ है, मतलब सेल हुआ है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमित ऑन क्रेडिट, यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, ठीक है, बीइंग सुमित मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी, एंड यहाँ पे एक्सेप्टेंस मेट ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया गुड्स को, मतलब उस दिन के लिए आपको पेमेंट कर दिया गया है, ये कैश या बैंक नहीं, बैंक ही लिखना बस, या फिर बस कैश ही लिखना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस बैंक अकाउंट लिख देती हूँ, टू बी आर, और यहाँ पे टू बैंक ही लिख देती हूँ, टू बैंक अकाउंट 20,000। आई बात समझ में, आया ना कि कैसे करना है, तो इसी तरीके से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, इसी तरीके से आपको, जैसे ही आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया, इजी लगा ना, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल कुछ इलुस्ट्रेशन, ये तो इलुस्ट्रेशन नंबर 1 था हमारा एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। सो यही पे हमारा आज का क्लास समाप्त होता है, अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट क्लास जो है ना हमारा अलग टॉपिक होगा, ठीक है, इसके बाद वाला अकाउंटिंग ट्रीट।